Hello friends, this is Shubjeet. Today we will start the medieval history of Chhattishgarh with Kalchuri Dynasty. सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन सी डायनेस्टीज कब कब और कहां कहां पे रूल कर रही थी। तो कलचुरी डायनेस्टी शुरुआत करते हैं कि कलचुरी डायनेस्टी रतनपुर में थी। कलचुरी डायनेस्टी बाद में चल के रायपुर में आएंगी। फणी नागवंश जो है कवर्धा में रूल कर रहे हैं। सोम डायनेस्टी जो है कांकेर में रूल कर रही हैं। और छिंदक नागवंशी जो हैं वो बस्तर में रूल कर रहे हैं, जिनको बाद में चल के रिप्लेस करते हैं काकतीय डायनेस्टी। अपन शुरुआत करते हैं कलचुरी डायनेस्टी से। तो कलचुरी डायनेस्टी अब कहाँ से आई हैं छत्तीसगढ़ में? तो वो त्रिपुरी से आई हैं छत्तीसगढ़ में। तो मांड उनका पैरा कैपिटल होता है, बाद में चल के वो रतनपुर में आ जाती हैं, जिनके बारे में अपन आगे देखेंगे। कलचुरी डायनेस्टी अपन सबसे पहले देख रहे हैं इंडिया लेवल पे। तो इंडिया लेवल पे अपन देखें तो उनकी शुरुआत होती है 550 AD में और वो चलती हैं 1740 AD तक। ये कोई एक जगह पे इन लोग रूल नहीं कर रहे हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रूल कर रहे हैं अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे। तो उनमें से कुछ हैं कलिंजर, प्रयाग, त्रिपुरी, काशी, तुम्मान, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर, जिनमें से तुम्मान, रतनपुर, खल्लारी और रायपुर जो हैं ये छत्तीसगढ़ के कैपिटल्स हैं। इंडिया लेवल पे अपन देखें तो इनके फाउंडर जो थे वो थे कृष्णराज, जिनका टाइम पीरियड है 500 से लेके 575 AD। इनके बाद रूलर्स आते हैं शंकरगढ़ वन, जिनका टाइम पीरियड है 575 से लेके 600 AD। नेक्स्ट आते हैं बुद्धराज, उनका टाइम पीरियड है 600 से 620 AD। उसके बाद आता है डार्क एरा। अब अपन इसको डार्क एरा क्यों बोल रहे हैं? तो डार्क एरा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इस टाइम पीरियड की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली कलचुरी डायनेस्टी की। सीधे 9th सेंचुरी में अपने को पता चलता है वामराज के बारे में। वामराज कौन है? तो वामराज हैं रूलर कलिंजर के, इसलिए उनको फर्स्ट कैपिटल कलिंजर लिखा गया है। सेकंड कैपिटल वो अपना बनाते हैं त्रिपुरी, और इससे फाउंडेशन होता है त्रिपुरी ब्रांच ऑफ कलचुरीज का। तो कुछ लोगों का मानना है कि वामराज देव जो हैं वो फाउंडर हैं कलचुरीज ऑफ त्रिपुरी के, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि कोक्कल देव जो हैं वो रियल फाउंडर हैं त्रिपुरी ब्रांच के, जिनका टाइम पीरियड है 875 से 900 AD। अब वो रियल फाउंडर क्यों हैं? क्योंकि स्टेबल रूल इन्होंने लाया था त्रिपुरी ब्रांच में, और इनके बारे में पता चलता है बिलहरी इंस्क्रिप्शन से। इससे ये भी पता चलता है कि इनके 18 बेटे थे, जिनमें से सबसे बड़े बेटे जो थे उनका नाम था शंकरगढ़ मुग्धतुंग। ये वही शंकरगढ़ मुग्धतुंग है जिनके बारे में अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जो बाण डायनेस्टी के विक्रमादित्य को हराते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे त्रिपुरी है, ये अटैक करते हैं बाण डायनेस्टी पे, ये वापस आ जाते हैं। इस बीच उड़ीसा की जो सोम डायनेस्टी है उनका इंटरफेरेंस बढ़ जाता है छत्तीसगढ़ में। तो इसको रिमूव करने के लिए लक्ष्मण राज, जो आगे चल के रूलर बनते हैं त्रिपुरी डायनेस्टी के, वो भेजते हैं कलिंग राज को, जो उनके बेटे हैं, उनको कलचुरी रूल एस्टैब्लिश करने के लिए छत्तीसगढ़ में भेजा जाता है, जिनके बारे में अपन देखेंगे अब। तो अपन शुरुआत करते हैं कलचुरी डायनेस्टी छत्तीसगढ़। तो शुरुआत होती है कलिंग राज से। कलिंग राज का टाइम पीरियड है 1000 से लेके 1020 तक। ये फाउंडर हैं कलचुरी डायनेस्टी के छत्तीसगढ़ में। अपन ने तीन फाउंडर देख लिए, एक इंडिया लेवल पे, एक त्रिपुरी लेवल पे और एक छत्तीसगढ़ के लेवल पे। तो छत्तीसगढ़ के लेवल पे जो फाउंडर हैं वो हैं कलिंगराज। इनके बारे में पता चलता है अपन को तुम्मान से। तुम्मान में इनका कैपिटल था और इन्होंने यहाँ पे महामाया टेम्पल बनाया है चैतुरगढ़ में। इनके बारे में और भी पता चलता है अपने को किताबुल हिंद से, जो लिखी है अलबरूनी ने। इनके बाद आते हैं रूलर कमलराज। कमलराज का टाइम पीरियड है 1020 से 1045 और ये सन है कलिंग राज के। इनके टाइम पे गांगे देव जो हैं, जो त्रिपुरी के रूलर हैं, वो आते हैं और वो उड़ीसा एक्सपीडिशन के लिए जा रहे होते हैं। तो उनकी मदद करते हैं कमलराज, और कमलराज वहाँ से साहिल करके एक पर्सन होता है उसको लेके आते हैं, जो
उनके किंगडम के एक्सपेंशन में इनकी मदद करता है किंग कमल राज की। नेक्स्ट रूलर आते हैं रत्नदेव वन जो है उनका टाइम पीरियड है 1045 से लेके 1065 तक। ये सक्सेसर हैं कमल राज के और ये फाउंडर हैं रतनपुर के। इन्होंने कैपिटल शिफ्ट किया था तो मांड से रतनपुर में, और यहाँ पे इन्होंने बनाया महामाया टेम्पल जो कि कॉपी है अपने चैतुरगढ़ वाले टेम्पल की। और रतनपुर को उस समय कहा जाता था कुबेरपुर। तो कुबेरपुर क्यों कहा जाता था? क्योंकि उस समय इकोनॉमी बहुत अच्छी थी इनकी, और दूसरी चीज़ स्ट्रॉन्ग रूल था कलचूरीज का उस टाइम पे। नेक्स्ट आते हैं पृथ्वीदेव वन का टाइम पीरियड है 1065 से लेके 1095। ये सन है रत्नदेव वन के। इनके बारे में पता चलता है रायपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन से, और इन्होंने टाइटल लिया था सकल कोसल अधिपति का। अब इसके आगे सेकंड क्यों लिखा है? तो सेकंड टाइम ये लिया गया टाइटल। फर्स्ट टाइम किसने लिया था? तो फर्स्ट टाइम लिया गया था महाशिव तीवर देव ने, जो पांडु डायनेस्टी के हैं, और सेकंड टाइम लेंगे पृथ्वीदेव वन जो कलचूरी डायनेस्टी के हैं। और ये ओनर हैं 21,000 विलेजेस के, जिसके बारे में पता चलता है अमोड़ा कॉपर इंस्क्रिप्शन से। और इन्होंने पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल भी बनाया है तुम्मांड में। और भी कंस्ट्रक्शंस हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन जो है वो है पृथ्वी देवेश्वर टेम्पल। नेक्स्ट रूलर आते हैं जाजल्यदेव वन का टाइम पीरियड है 1095 से लेके 1120। ये सन है पृथ्वीदेव वन के, और इनके बारे में पता चलता है रतनपुर कॉपर इंस्क्रिप्शन से। इन्होंने कुछ गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे जिसमें लिखा होता था श्रीमत जाजल्य देव और गज शार्दुल। अब श्रीमत जाजल्य देव तो समझ में आ रहा है, गज शार्दुल क्या है? तो गज शार्दुल का मतलब होता है हंटर ऑफ एलिफेंट्स, या फिर हाथी का शिकार करने वाला। तो ये उनके गोल्ड कॉइन्स में लिखा होता था। उन्होंने जाजल्यपुर बसाया है। अब जाजल्यपुर क्या है? तो प्रेजेंट जांजगीर चांपा जो है वही जाजल्यपुर है। और इन्होंने रेनोवेट कराया है शिव मंदिर जो पाली में है, और विष्णु टेम्पल बनाया गया है जिसमें कोई भी मूर्ति नहीं है, जिसको नक्ता मंदिर के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पे है? तो जांजगीर में। इन्होंने छिंदक नागवंशी रूलर सोमेश्वर देव को डिफीट किया है, और भुजबल जो उड़ीसा के हैं इनको भी हराया इसने। नेक्स्ट रूलर आते हैं रत्नदेव टू का टाइम पीरियड है 1120 से 1135। इनके टाइम पे गया कर्ण जो हैं त्रिपुरी के, वो अटैक करते हैं छत्तीसगढ़ पे। मतलब यहाँ पे अब संबंध खराब हो गए हैं त्रिपुरी डायनेस्टी से, लेकिन ये अटैक जो है सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया जाता है और गया कर्ण जो है हार जाते हैं। नेक्स्ट अटैक होता है अनंत वर्मन चोड़गंग का, जो कि गंग डायनेस्टी के हैं उड़ीसा की, और इनका अटैक भी सक्सेसफुली डिफेंड किया जाता है और अनंत वर्मन चोड़गंग की हार होती है। नेक्स्ट रूलर आते हैं पृथ्वीदेव टू का टाइम पीरियड है 1135 से लेके 1165, और ये सन है रत्नदेव टू के। इनके टाइम पे इनके बारे में पता चलता है राजीम इंस्क्रिप्शन से, और इनके टाइम पे एक फ्यूडल चीफ हुआ करते थे जिनका नाम था जगतपाल, जो इनके सामंत थे। इन्होंने रेनोवेट कराया है राजीव लोचन का टेम्पल, जो किसने बनवाया था? विलासतुंग ने, अपन ने पिछली क्लासेस में देखा है। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉपर इंस्क्रिप्शंस जो हैं वो इन्हीं के मिले हैं, और ये कॉपर इंस्क्रिप्शंस कलचूरी डायनेस्टी के मैक्सिमम कॉपर इंस्क्रिप्शंस हैं। नेक्स्ट रूलर आते हैं अपने जाजल्यदेव टू का टाइम पीरियड है 1165 से लेके 1178। ये यंगर सन है पृथ्वीदेव टू के, और एल्डर सन कौन है? तो एल्डर सन है जगदेव। तो एल्डर सन के होते हुए यंगर सन को क्यों रूल मिला? तो इसके बारे में अपन देखते हैं, क्योंकि जब जाजल्यदेव रूलर बनते हैं तब
तब जगदेव जो हैं वो ईस्टर्न बाउंड्रीज पे होते हैं छत्तीसगढ़ की, और डिफेंड कर रहे होते हैं छत्तीसगढ़ के बाउंड्रीज को गंग डायनेस्टी से। तो इसीलिए जाजल्य देव टू को रूलर बनाया जाता है। और इनके टाइम पे जय सिंह जो हैं त्रिपुरी के, वो अटैक करते हैं छत्तीसगढ़ पे, लेकिन उनका अटैक भी अनसक्सेसफुल होता है और जाजल्य देव अच्छी तरीके से डिफेंड कर लेते हैं। जाजल्य देव की डेथ के बाद जगदेव कुछ समय के लिए रूलर बनते हैं। तो इनके बारे में अब कैसे पता चल रहा है कि वो रूलर बने थे? तो खरौद कॉपर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो रत्नदेव थ्री का है, उनसे पता चलता है कि जगदेव जाजल्य देव टू के बाद रूलर बने थे। नेक्स्ट रूलर आते हैं रत्नदेव थ्री। रत्नदेव थ्री जो हैं 1178 से रूल करते हैं 1198 तक, और ये सन है जाजल्य देव टू के। इनके बारे में कैसे पता चलता है? तो खरौद इंस्क्रिप्शन से। और इनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उसको ठीक करने के लिए वो बुलाते हैं गंगाधर राव को, और इनको अपॉइंट करते हैं अपना पीएम, जिन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल किया था रत्नदेव थ्री के टाइम पे। और इन्होंने रेनोवेट कराया था लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, और साथ में बनवाया था एक वीरा टेम्पल रतनपुर में। नेक्स्ट रूलर आते हैं प्रतापमल। प्रतापमल के बारे में पता चलता है उनके कॉपर कॉइन्स से, जो हेक्सागोनल शेप के हुआ करते थे, जिसमें लॉयन होता था और सॉर्ड होती थी, मतलब शेर और तलवार बनी होती थी उनकी कॉपर कॉइन्स में। उसके बाद 300 इयर्स के लिए डार कैरा आता है कलचूरी डायनेस्टी का। अब यहाँ पे भी डार कैरा का मतलब है कि एविडेंस नहीं मिल पाए हैं कलचूरीज के, सीधे अपने को पता चलता है 14 सेंचुरी में। और अपने को पता चलता है कि रायपुर और रतनपुर दो ब्रांचेस बन चुकी हैं कलचूरीज की, जिसमें से बहरेंद्र साय जो हैं वो रतनपुर की ब्रांच के हैं। रतनपुर की ब्रांच अपन कंटिन्यू करते हैं, इसमें देखते हैं 1480 से लेके 1525 तक बहरेंद्र साय रूल कर रहे हैं, और इनका कैपिटल है छुरी कोसगई। इनके बारे में पता चलता है रतनपुर और छुरी कोसगई इंस्क्रिप्शन दोनों से पता चलता है। और इन्होंने जमींदारी दी थी सोना खान की। किसको दी थी? आगे चल के वीर नारायण सिंह आएंगे, उनके एंसेस्टर जो थे उनको इन्होंने जमींदारी दी थी। नेक्स्ट रूलर है कल्याण साय। कल्याण साय के बारे में पता चलता है तुजुकी जहांगीरी से। इनका रूल था 1544 से 1581 तक, और ये माना जाता था कि ये जहांगीर के कोर्ट में है 8 साल तक। इसके पहले तक कुछ समय के लिए कुछ बुक्स में ये भी माना गया है कि वो अकबर के कोर्ट में हुआ करते थे, लेकिन ये तुजुकी जहांगीरी से पता चल गया है कि ये जहांगीर के कोर्ट में थे। इनकी अचीवमेंट्स ये हैं कि जमाबंदी सिस्टम इन्होंने चलाया था, और जिसको बाद में चल के ब्रिटिश रूल जो हैं, ब्रिटिश ऑफिसर चिस्म जो हैं वो अप्लाई करते हैं छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ को 36 गढ़ों में बांटते हैं। नेक्स्ट रूलर आते हैं तखत सिंह। तखत सिंह जो है 17th century में पता चलता है इनके बारे में, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया था तखतपुर। इनके बाद आते हैं राज सिंह। राज सिंह के टाइम पे गोपाल मिश्र, जिन्होंने खूब तमाशा लिखी है, ये इनके कोर्ट पोएट थे। राज सिंह के बाद रूल जाता है मोहन सिंह के हाथ में, जो रायपुर ब्रांच के थे। राज सिंह के कोई बेटे नहीं थे, इसलिए इनको अपॉइंट किया गया था, लेकिन मोहन सिंह वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे। तो राज सिंह के अंकल, मतलब चाचा जो थे, उनका नाम था सरदार सिंह, ये रूल जो है उनके हाथ में चले जाता है। सरदार सिंह की एज बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो रघुनाथ सिंह को अपॉइंट करते हैं अपना रूलर। रघुनाथ सिंह उनके भाई होते हैं, और इनके टाइम पे मराठा इन्वेजन हो जाता है, जिसको वो डिफेंड नहीं कर पाते हैं। और लास्ट इंडिपेंडेंट रूलर होते हैं रतनपुर के।
मोहन सिंह अपॉइंट होते हैं उसके बाद मराठों के द्वारा, और ये लास्ट कलचुरी रूलर होते हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे कलचुरी डायनेस्टी ऑफ रायपुर। तो इनके बारे में सोर्सेस कहाँ से मिले? रॉक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि खल्लारी से मिला है, और ये पता चलता है कि ये लहूरी ब्रांच थी रतनपुर के कलचुरियों की। इनके फाउंडर थे लक्ष्मी देव, जिनके बाद आते हैं सिंहगढ़। सिंहगढ़ के बारे में पता चलता है कि उन्होंने 18 फोर्ट जीते थे। नेक्स्ट आते हैं रामचंद्र। रामचंद्र देव के बारे में पता चलता है कि उन्होंने रायपुर सिटी इस्टेब्लिश की थी, फाउंडर थे रायपुर के, और ये इन्होंने ब्रह्मदेव राय, जो कि उनके बेटे थे, उनके नाम पे रखी। ब्रह्मदेव राय जो हैं वो कैपिटल शिफ्ट करते हैं अपना रायपुर, और वहाँ पे दूधाधारी मठ पे, सॉरी रायपुर में दूधाधारी मठ का कंस्ट्रक्शन कराते हैं। इन्हीं के टाइम पे देवपाल करके एक मोची होते हैं, वो खल्लारी में टेम्पल बनाते हैं। इनके बाद आते हैं अमर सिंह। अमर सिंह जो हैं ये डिफीट हो जाते हैं मराठों से, और इनके बाद जो शिवराज सिंह आते हैं, जो अमर सिंह के बेटे होते हैं, इनसे भी जागीर वगैरह जो होती है वो सब ले ली जाती है और मराठा रूल इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मराठों के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल CGPSC Academy। थैंक यू।